कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान कार्य में लगी कंपनी द्वारा लीज होल्डर ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदारों के करोड़ों रुपए अदा न करने पर उक्त लोगों ने बिलासपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हालांकि पहले पैसों की अदायगी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान कार्य में लगी कंपनी द्वारा लीज होल्डर ट्रांसपोर्टर तथा ठेकेदारों के करोड़ों रुपए अदा न करने उक्त लोगों ने बिलासपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हालांकि पहले पैसों की अदायगी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक एडीएम डीआरओ आईटीएनएल कंपनी अधिकारी और एनएचएआई के पीडी भी मौजूद रहे, लेकिन तमाम दावों के बाद भी उक्त लोगों के पैसे कैसे अदा होंगे और कौन अदा करेगा इस बात पर कोई बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उक्त लोगों ने पहले उपायुक्त कार्यालय में जमकर हल्ला बोला। वहीं बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने उपायुक्त के कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन पुलिस के जवान एनएचएआई के पीडी को पिछले दरवाजे से लेकर चले गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बिलासपुर बस अड्डे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी सभी प्रभावित लोगों को मौके से हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। उपायुक्त ने कंपनी को साफ कह दिया कि एक सप्ताह के अंदर तय किया जाए कि उक्त प्रभावित लोगों को पैसा कौन और कैसे अदा किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व सचिव विवेक कुमार, दिनेश सैनी, दिनेश नड्डा, सचिन चंदेल, नितिन महाजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।